पंचकूला में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने की तैयारियां शुरू। शिक्षा मंत्री का अपार गुज्जर ने पिंजौर एरिया में एक जनसभा को किया संबोधित। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंडियों में फसल उठान की परेशानी को नकारते हुए कहा कि प्रदेश की सभी मंडियों में से सिर्फ एक दो मंडियों में उठान दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान खुश है और किसानों को पेमेंट भी समय पर हो रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का डूबता हुआ जहाज है और आज कांग्रेसी नेता प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते निश्चित रूप से कांग्रेस के टुकड़े टुकड़े होंगे। उदयपुर में 13 से 14 और 15 मई को कांग्रेस का चिंतन शिविर का आयोजन होगा। चिंतन शिविर में किसान और एग्रीकल्चर मुद्दे पर चर्चा के लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाने को लेकर कमेटी बनाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस कमेटी के कन्वीनर होंगे। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर कांग्रेस का महंगाई और घोटाले को लेकर उन्होंने प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला सचिवालय के बाहर किया हवन। आरटी के तहत पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। निजी स्कूलों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। गोंडा में कलहेड़ी गांव में सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने वाले नौसिखीय शिक्षक को ग्रामीणों ने की पिटाई। ग्रामीणों ने शिक्षक पर लगाए जातिवाद फैलाने के आरोप। कुरुक्षेत्र से सरकारी जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कर्मचारी और सरकारी महिला डॉक्टर की तरफ से उत्पीड़न करते के बाद आत्महत्या मामले में तूल पकड़ लिया। अस्पताल में बड़ी संख्या में कर्मचारी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे और मुआवजे की मांग कर रहे। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। मैक्रो को 58.2% वोट मिले हैं। उन्होंने स्मरण के लेपेन को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 61वां दिन है, जहां दोनों देशों के बीच जंग का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। खार्किव ओब्लास्ट में रूसी गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।